सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एवी डिफेंस कैरियर। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इंडियन एयरफोर्स की, जब आप ज्वाइनिंग में जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग ट्रेनिंग में जब जाते हैं, तो आपको ट्रेड का जो अलॉटमेंट है वो कैसे होता है, और जो ट्रेड्स हैं चाहे वो एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की हो, वो कैसे मिलती हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंडियन एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसी ही जो वीडियोस है वो हमेशा हम लाते रहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में कौन सी जो ट्रेड है वो मिलने वाली है, और कौन सी जो ट्रेड है वो आपके लिए सूटेबल रहने वाली है। यानी फ्रेंड्स, ट्रेड्स तो सभी अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सी जो ट्रेड है वो आपके लिए बेस्ट होने वाली है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड है एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो फर्स्ट ट्रेड आपको बताई गई है ऑटोमोबाइल फिटर की, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, इन दिस ट्रेड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट एंड ड्यूटी मैकेनिकल व्हीकल क्रेन लोडिंग इक्विपमेंट। यानी फ्रेंड्स, इस जो ट्रेड है इसमें आपको रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करना होता है लाइट का, हीवी ड्यूटी जो मशीन्स हैं या फ्रेंड्स व्हीकल्स हैं और जो क्रेन्स हैं आदि जो है उनका जो है आपको मेंटेनेंस और रिपेयर करना होता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, यानी कि फ्रेंड्स सेकंड जो आपको ट्रेड मिलने वाली है ये फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की टेक्निकल जो है उसमें जो ट्रेड्स हैं उनके बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या काम करना होगा आपको, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ फ्रेंड्स, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर यू ऑपरेट एंड मेंटेन रडार वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इक्विपमेंट माउंटेड ऑन लेटेस्ट एयरबोर्न वीपन डिलीवरी सिस्टम एंड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। यू विल गेट ट्रेंड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रडार टेक्नोलॉजी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रिलेटेड ट्रेड फंडामेंटल्स। यानी फ्रेंड्स ये जो ट्रेड है इसमें आपको जो है रडार को कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जो है इसमें फ्रेंड्स सभी चीज़ें लिखी हुई हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के संबंधित, रडार की जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंधित जो है, और जो लेटेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके संबंधित आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी, और फ्रेंड्स और इन्हीं चीज़ों पर आपको काम करना है। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर में क्या काम आपको करना होता है, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ यू विल मेंटेन पावर सप्लाई सिस्टम आप लेटेस्ट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एयरबोर्न मिसाइल्स एंड एसोसिएटेड ग्राउंड सिस्टम्स। यू विल आल्सो मेंटेन फोटो इक्विपमेंट माउंटेड ऑन एयरबोर्न वेपन सिस्टम्स एंड ऑपरेट ग्राउंड बेस्ट फोटो सिस्टम्स। यू विल गेट ट्रेन इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग इन लाइन्स को पढ़ के समझ ही चुके होंगे कि यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है और आपको कौन सा काम यहाँ करना होता है इलेक्ट्रिकल फिटर में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है आपको मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि आपको यू विल मेंटेन पावर सप्लाई, आपको जो है पावर सप्लाई जो है उसको जो है मेंटेन करना होता है एयरक्राफ्ट्स में, एयरबोर्न मिसाइल्स में, और जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं उनमें। तो फ्रेंड्स ये जो आपको हो गया तीसरा ट्रेड। देन हम लोग बात करते हैं आपके चौथे जो ट्रेड है उसके बारे में, मैकेनिकल सिस्टम फिटर। ये आपका फ्रेंड्स फोर्थ जो है ट्रेड है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें फ्रेंड्स यू विल रिपेयर एंड मेंटेन मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स एंड पेनोमेटिक सिस्टम ऑफ एयरबोर्न मिसाइल्स इंजन्स ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट फुल जो इक्विपमेंट्स हैं कंप्लीट एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट विल आल्सो बी रिपेयर्ड एंड मेंटेन बाय यू। आपके द्वारा ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपको बताई गई हैं, इनको आपको मेंटेन करना होता है। यू विल बी ट्रेंड इन हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव
एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपको ये जो है हैंडलिंग जो है बॉम्ब्स की, उसको हैंडलिंग और जो है प्रिपरेशन की जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है। एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्कशॉप, मैकेनिकल ट्रेड्स एंड एज वेल एज ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको लाइंस को आप पढ़ के आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि आपको इस ट्रेड में कौन सा काम करना होता है। सो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अपने अगले ट्रेड के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो अगला ट्रेड है वो है स्ट्रक्चर्स फिटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको क्या काम करना होता है। और फ्रेंड्स इसमें आपको करना होता है एज स्ट्रक्चर फिटर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ऑफ एयर फ्रेम्स एंड देयर एसेसरीज कंपोनेंट्स कंट्रोल्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। रेगुलर चेक्स द इंटायर हाइड्रोलिक्स एंड फेनोमेनिक सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर जो है फंक्शनिंग अगेंस्ट लीक्स आर आल्सो पार्ट ऑफ योर ड्यूटीज। यू विल आल्सो बी असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्शलिंग पार्किंग पिकेटिंग एंड जो है ग्राउंड हैंडलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों के बारे में जो है आपको ये आपके काम होते हैं और जो है इन चीज़ों की आपको ट्रेनिंग जो है दी जाती है। सो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जो आपका जो छठा जो है ट्रेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है प्रोपल्शन फिटर जो है आपका छठा ट्रेड है। और इसमें आपको करना होता है इन दिस ट्रेड यू विल रिपेयर मेंटेन एंड प्रिपेयर फॉर यूज द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरबोर्न वेपन डिलीवरी सिस्टम। सो फ्रेंड्स ये जो है आपका सिक्स जो है ट्रेड है। देन हम लोग बात करते हैं अगले ट्रेड के ऊपर, वो है वर्कशॉप फिटर। तो फ्रेंड्स वर्कशॉप फिटर जो है आपका सातवां ट्रेड है। इसमें आपको करना होता है यू विल अंडरटेक मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स ऑफ ऑल एयरक्राफ्ट एंड सेंटर रिपेयर फैसिलिटीज। यू विल आल्सो बी ट्रेंड इन वर्कशॉप ट्रेड फॉर मटेरियल ट्रीटमेंट वेल्डिंग हीट ट्रीटमेंट स्मिथ एंड बेसिक मशीन टूल्स। सो फ्रेंड्स आपको इन चीज़ों की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो है आपके काम है अगर आप वर्कशॉप फिटर में हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग अपने आठवें ट्रेड के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है आपका वर्कशॉप फिटर मैकेनिक। यानी फ्रेंड्स वर्कशॉप फिटर में जो है दो होते हैं, यानी कि ये वर्कशॉप फिटर जो है उसके दो पार्ट हो, एक स्मिथ होता है जो कि अभी हमने ऊपर दिखाया है, और ये जो है ये सेकेंड है वर्कशॉप फिटर में, ये भी आपका सातवां ही ट्रेड में आएगा, ये भी उसका जो है पार्ट है। तो फ्रेंड्स मैकेनिकल वर्कशॉप फिटर में जो मैकेनिकल ट्रेड है वो इसके बारे में है। तो यू विल अंडरटेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क ऑफ मैकेनिकल नेचर। यू विल बी ट्रेन इन वर्कशॉप ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका सातवां वर्कशॉप फिटर में। ध्यान दीजिएगा दो ट्रेड्स हैं उस, मतलब कि फ्रेंड्स उसके भी दो पार्ट्स हैं, वर्कशॉप फिटर स्मिथ और वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल। देन फ्रेंड्स ये आपका आता है लास्ट ट्रेड जो है इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के टेक्निकल जो ट्रेड है उसमें आपका लास्ट जो ट्रेड है वो है वेपन फिटर का। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है इन दिस ट्रेड यू विल प्रिपेयर मेंटेन एंड सर्विस आर्मेमेंट्स एम्यूजन एंड सेफ्टी इक्विपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम। यू विल आल्सो ऑपरेट एंड मेंटेन स्मॉल आर्म्स एंड बॉम्ब्स डिस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। यू विल बी ट्रेन टू हैंडल बॉम्ब्स एक्सप्लोजिव्स आर्म्स एंड देयर इंस्टॉलेशन ऑफ वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको वेपन फिटर में ये जो है आपको काम आपको करना होता है और इसी की ट्रेनिंग जो है आपको दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये है आपके इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप की जो टेक्निकल ट्रेड है उनके बारे में। देन फ्रेंड्स अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो आपके इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड के ऊपर होने वाला है, जो कि फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, इसलिए चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है जो नोटिफिकेशन है हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स की साइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, या फ्रेंड्स हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपने लिंक दे रखा है वहां से फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होके और इसे देख सकते हैं, वहां हमने इसको पोस्ट कर दिया है। सो डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट माई डियर फ्रेंड्स।